क्या करूं, दिल को रोकता हूं तो आंखें भटक जाती हैं, आंखें बंद करता हूं तो ख्वाब भटक जाते हैं। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे टू में हुई फिर आर माधवन की एंट्री, जाने किस किरदार में आएंगे नजर। दे दे प्यार दे टू फिल्म लंबे वक्त से चर्चे में है। फिल्म को लेकर मेकर्स अभी कास्ट सिलेक्शन की प्रक्रिया में बिजी है। खबरें हैं कि इस फिल्म को मेकर्स नए सितारों की एंट्री कर इसे और भी रोचक बनाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने आर माधवन से संपर्क किया। फिल्म शैतान में उनकी एक्टिंग को देख ये इस प्लान पर आगे बढ़ने के फैसला किया है। फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म अभी से चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार दे दे प्यार दे टू अजय देवगन के साथ एक्टर आर माधवन को कास्ट करना चाहते हैं। आर माधवन भी फिल्म करने को लेकर बेहद ही एक्साइटेड है। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माताओं ने अब दे दे प्यार दे टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आर माधवन को चुना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आर माधवन इस फिल्म में अपनी खास इंटरेस्ट दिखाया है। बताया जा रहा है कि तनु वेड्स मनु फ्रेंचाइजी के बाद से आर माधवन ने हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी नहीं की है, इसलिए उन्होंने दे दे प्यार दे टू को स्वीकार कर लिया। निर्माता फिल्म में नए किरदार के साथ नया मोड़ लाने की फिराक में है। अजय आर माधवन दोनों ही इस फिल्म के लिए उत्साहित है। अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित दे दे प्यार दे टू की शूटिंग इस साल जून में शुरू होने वाली है। ये फिल्म 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर अभी तक अजय देवगन का ही नाम सुनने में आया है। फिल्म के सीक्वल में तब्बू और नकलप्रीत वापसी कर रही है या नहीं, इस बारे में अभी तक फाइनल स्टेटमेंट मेकर्स की तरफ से नहीं हुई है। बता दें कि अजय देवगन और अभिनेता आर माधवन ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म शैतान में पहली बार साथ काम किया। इस फिल्म में आर माधवन ने अजय को जबरदस्त टक्कर दी थी। अब ये एक बार फिर से उन्हें टक्कर देने को तैयार है।